सो हे गाइस गुड नाइट, नहीं नहीं अभी तो गुड मॉर्निंग हो रहा है यार मेरा यार। पर ये देखो दिख रहा है, एक कार दो कार, ये जितने भी ये लोग हैं ना भाई ऊपर रूम में साउंड करके रखे हुए, डर 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 डर। सोचा दबा के सोऊंगा, मिनिमम 2 घंटे सोया रहूंगा, उसके बाद से जीना हराम हो गया यार कसम से। मैंने बोला कि अभी उठ जाता हूँ, उन लोगों का काम हो जाएगा, तब तक मैं जा रहा हूँ अपने बालों को कटा लेता हूँ यहाँ पे। तो बाल कटाने के लिए आया हूँ मैं, फिर आने के बाद में खाना बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे क्योंकि सुबह इडली खा के जिंदा हूँ आज मैं। चलो भाई ये क्या हो गया यार, पूरा हटा ही दिया इन्होंने, रेस्टोरेंट रेनोवेशन पूरा नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हटा ही दिया, नहीं तो भी पहले एकदम नंबर था। कोई नहीं, कभी कभी रिनोवेशन होना चाहिए लाइफ में। बाल कटाने वाली जगह पे पहुंच गए अभी, है ना, मैं बाल कटा लेता हूँ, तब तक आप लोग टाइम लेट देख लो यार, यही ऑप्शन है आपके पास। तो भाई भाई ने मेरे को बना दिया एकदम मस्त राजा बाबू। तो अभी पहले पहले एकदम जंगली जैसा लग रहा था ना, अभी थोड़ा सर पे सा लगा, बोझ खत्म हो गया। शुक्रिया भाई जी। चलो जी थैंक यू सो मच। हाँ ओके शुक्रिया। मुस्कान चलो भाई, अपने बंदे लोग हैं दिल्ली वाले तो हेल्प कर दिए। हाँ मेरे को है ना कोरिएंडर लेना है, तो अभी आ ही गया हूँ, तो यहाँ से कोरिएंडर उठाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई मैंगो में तो भीड़ है, मैंगो तो भीड़ है। अभी बाल कटला लिया एकदम, ऐसा सर है ना पूरा हल्का हो गया है, उसमें अच्छा लग रहा है। और वो लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे तो। सही है भाई, चलो ले लेते कोरिएंडर। चलो भाई, मेरे ही जैसे कितने लोग यहाँ पे लाइन में आके खरीद के जा रहे हैं। और आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा, जो ये पैक वाला है ना, इसमें से कुछ मत खरीदना भाई पैक वाला। सालमन ठीक है, समझ में आया एक बार, मगर ये वेजी वगैरह ये जो दिख रहा है ना, मैंने कल बनाया भाई, एकदम अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, पहले बता रहा हूँ। भाई कोरिएंडर है ना 75 फिल्स का है, और मेरे को उसको है ना 100 फिल्स बनाने का था, तो मेरे को एक गोली लेनी पड़ी, पता है क्या, हनी विस्की। जस्ट अज्यूम वो गोली जो मैंने विक्स की जो गोली ली वो कितने की रहेगी भाई, पता है क्या, 8 रुपये का, 20 फिल्स का एक है, 7 रुपये के आसपास, 4 रुपये के आसपास, 4 रुपये का एक मेरे को गोली पड़ा है वो 20 फिल्स का। सही है, हंसी आती है, कहाँ इंडिया में 8 आने का 1 रुपये का मिलता है, और यहाँ पे सीधा उसका डबल, क्योंकि 1 रुपया चलता ही नहीं ना, वही 10 फिल्स, 5 फिल्स और कितना 20 फिल्स, 20 फिल्स एंड 50 फिल्स, फिर मियाँ फिल्स ऐसा। तो अभी अपन जा रहे हैं मच्छी के शॉप में, देखते हैं क्या मिलता है। भाई देखो ये नाइट कंपनी वाले, अभी नाइट दिख रहे हो, सब नाइट वाले वर्कर हैं, और दे आर मतलब ये लोग भी है क्या कि रेडी वेडी हो गए हैं, अब वेट कर रहे हैं अपनी बस का, इनकी बस आएगी। ये नाइट काम करने वाले लोग हैं भाई, इतने लोग देखे सब इंडिया से ऑलमोस्ट। ये बिल्ली बार बार मेरे पैर पे आके ना से लग रही थी, मतलब उसको भूख लगी इसकी वजह से वो मस्के मार रही थी। अब चलते हैं यहाँ से लेते हैं यार, यहाँ पे अंदर भाई कौन सा वाला उठा जाए पता नहीं है, अब मैं ले लेता हूँ फिर मिलता हूँ। भाई मैंने ये वाला लिया हुआ है, तो अभी करेगा उसमें से आज के आज सब बना देगा, 4 पीस है ना। थैंक यू। 600 फिल का मैंने वो ले लिया, समझ में नहीं आ रहा था, एक बार सोचा ये ले लूँ, मगर इसके अंदर है ना गूदा नहीं है, तो इसकी वजह से एकदम ऊपर से एक ही बार डालेगा तो वो हो जाएगा, और वो कुछ 4 पीस पड़ा हुआ है यार, 4 के 4 आज बना दूंगा, 2 मैं खाऊंगा, 2 सभी से। सही है, देख लो भाई ये है छोटा सा फिश मार्केट जहाँ पर हम आए हैं, आई थिंक कुछ ऐसा लिया हुआ है। आओ हैंड ग्लव्स पहनो, ले लो
करेंगे किचन में थोड़ा सा तूफानी और दाल राइस अलोंग विद फिश। तब मिलते हैं कुकिंग टाइम पे। तो सीन कुछ इस तरह से है भाई, तुम्हारे भाई ने मछली में मसाला वसाला डाल दिए, अब उसको थोड़ा देर के लिए रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। और तब तक यहाँ पे गैस गर्म हो रखी है, आप उन स्टार्ट करते हैं अपना राइस एंड दाल कुक करने के लिए। तो चलो, दुख होए सुख होए सा। 15 मिनट तो भाई इतनी सारी मेहनत के बाद में दाल तड़का और राइस रेडी है। अब बाकी है मेरा मच्छी फ्राई करने के लिए। अब उसके लिए ना मेरे को आटे की जरूरत थी। अच्छा वो मेरे पास में आटा ला के रखा था काफी दिन से, तो ये है, इसको आटा ऐसे निकाल के रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ पहले नहाने के लिए, क्योंकि बाल कटा के आया तो बाल बिल गिरे ना, और यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा है, इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ पहले बाल अच्छे से नहाऊंगा, नहा के फिर मिलता हूँ, फिर फ्राई करके सीधा खा के जंपक अच्छे से सोना है फिर। अभी तक कसम से बता रहा हूँ मेरा नींद नहीं पूरा हुआ वो काम चालू होने की वजह से। चलो तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में, जब फ्राई करूंगा ना स्लो मो देख लेना भाई, मजा आ जाएगा। तो भाई लोग बहुत सारी मेहनत करने के बाद में और नहाया भी एकदम मस्त अच्छे से, और ये देखो मेरा तेल वगैरह एकदम मस्त गर्म हो गया है। अब इस तेल में आप करने वाले डीप फ्राई, बट उसके लिए आप लोग ना स्लो मो देख लो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मच्छी मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। अब जब इसको डीप फ्राइड करूंगा तब देख लेना। एक्चुअली नॉन स्टिक ही पैन है तो फिर ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब जलेगा विलेगा नहीं। अब मैं करता हूँ, आप लोग स्लो मो देख लो भाई, मज़ा आ जाएगा। भाई कुछ इस तरह से है, अभी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे बकेगा, कितने टाइम में बकेगा, बट मुझे लग रहा है कि कहीं मैं ऊपर ऊपर का पक जाए अंदर का ना पके, ऐसा फील हो रहा है। तो भाई इतनी सारी मेहनत के बाद में ही रहा मेरा दाल चावल और ये रहा फिश। तो पहले अब टेस्ट करेंगे पहले फिश को कैसा बना है। आई होप सो कि ये पका हो बराबर से। ओहो नमक परफेक्ट, भाई कुक हो गया यार। आज का दिन सुपर भाई, मजा आ गया। तब मैं खा लेता फिर मिलता हूँ। तो यहाँ पे रख दिया है फिश सविशे के लिए और दाल राइस हो गया है, काम खत्म। अब सुकून मिला भाई, इडली चार खाया वो चार पीस, और अभी यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहा है, खाना वगैरह एकदम डन हो गया है। अब चले हम प्रस्थान करने आराम से। तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, कुछ भी नहीं है फ्रिज में, एक खाली मेरा मिल्क है और पीनट बटर। ठीक मिल्क ख़त्म हो गया इतनी जल्दी, कोई बात नहीं, मिल्क और पीनट बटर है, अभी सैलरी आने के बाद में नया बाय करना पड़ेगा। तो फिलहाल करते हैं ख़त्म इस ब्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरा डे कुछ इस तरह से बीता आज का, समझ रहे हो। बाय।
भाई एसी वाले लोग ने ना एसी ठीक करके कहा क्या जबरदस्त कोल्ड हो रहा है यार मेरे को, तो मैंने अपना जॉकेट निकाला, बोला पहन लेता हूँ। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा हो ना? अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना यार, अच्छा लगेगा। चलो बाय।